मेरे साथ हैं वो बहुत ज़्यादा YouTube पर ट्रेंडिंग है, थोड़े से परेशान चल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना उनको खुशी दी जाए, वो इतने सारे यूट्यूबर्स को इतने सारे व्यूज़ देते हैं तो थोड़ी सी खुशी तो उनकी भी बनती है। तो आज एक स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए मेरे साथ हैं मनोज जी, हमारे साथ मनोज जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सर वो शायद आपने कोई रेस्टोरेंट का बताया था क्या, जूवीस किचन के बारे में बताया था? हाँ जी सर, जूवीस किचन। हाँ जी हाँ जी, ठीक है तो चलें। चलिए सर। जिंदगी तुझको इस मोड़ पे ला ही देंगे, तू हमें कुछ भी ना दे, हम तो वफा ही देंगे। क्या बात है। जीते हैं लोगों ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। खाएंगे आप आज? ये आपके सामने मेन्यू रखा हुआ है। कोई बात नहीं सर, आप प्योर वेजिटेरियन है, जैसा मर्जी हो जाए आपको, जो दिल करे। बाकी आप इतनी बड़ी जगह पे ले गए हैं, मन को अच्छा लगा, वरना तो सारे लोग ब्लॉगर जो भी आते हैं वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसके लिए मेरे को जो है ना कई बार फील भी होता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार, इन लोगों की वजह से ही, आज यूट्यूबर की वजह से ही मेरे जो भी थोड़ा बहुत मेरे को लोग पसंद कर रहे हैं तो इनकी वजह से ही कर रहे हैं, तो सबकी चीजें मेरे को सब कुछ फील भी होता है, गल्टी फील, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कुछ भी मंगा लीजिए आपको जो दिल करे, जो भी अच्छा लगे। अच्छा चलिए दोनों देखते हैं एक साथ। लेकिन जो भी मंगाएंगे ना वो थोड़ा सा वॉश कर लेना। जी बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि मैं नॉन वेज वगैरह नहीं खाता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है सर। नॉन वेज मैंने सर 96 से मैंने छोड़ रखा है जी, और मतलब खाना छोड़ रखा है। अच्छा जी। मैं कीमे का पराठा जो है ना 89 में तवे पे गला देता था, होता था 60-70 किलो, उस टाइम छोटे उद्योग होते थे सर। हमारा भी बहुत अच्छा चलता है, वेज भी हमारा काफ़ी अच्छा है, जो आपको अभी खिला रहे हैं हांडी पनीर भी बहुत अच्छा है, पनीर टिक्का शाजली हमारा स्विट्जरलैंड में आता है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। मैं बैंगन के भरते में भी प्याज नहीं डालता सर, गैस भी ज़्यादा नहीं लगेगी, तेल भी नहीं लगेगा जी सर, और घर में किसी को बोलूँगा 5 किलो प्याज काटने के लिए, लेबर भी नहीं लगेगी, ले ले। तो सर टाइम ये चीज़ें बहुत अच्छी बात सर, और किसी गरीब आदमी को खिलाता हूँ फोकट फ्री ऑल्ड, तो वो यही वजह है जी सर। वो क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला अंकल ने, भैया ने, कि मैं जो है ना एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा सर मैंने तो बंद कर रखा है, मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी हूँ, किसी बड़े यूट्यूबर के ऊपर इल्जाम भी लगा, उस चक्कर में भी है, कहूँगा कि गलत आदमी का साथ कभी ऊपर वाला नहीं देता। आप उनके वीडियो को जो भी चैनल उन्होंने छुपके से बनाया है ना, तो इस लाइक करें ना ही उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन लोगों को सबक मिलेगा जो गलत तरीके से कहने कहते बनाते हैं छुपके, इन लोगों को सबक मिलेगा, ये आप ही लोग सिखा सकते हैं। गलत आदमी का साथ नहीं देता ऊपर वाला, सभी भगवान की दुपत्ति करते हैं, सभी सुखी हो जाए, क्यों नहीं सुखी हैं सब? क्योंकि गलत तरीके से काम कर रहे हैं। सच के साथ काम कीजिए ना, सच के साथ भगवान है। अच्छा मनोज जी। जी सर। अब तो जो होना था वो हो गया। हाँ माफी चाहूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब खुशी का टाइम है, थोड़ा एंजॉय करते हैं सर। ठीक है। अच्छा लोगों को अपना पूरा नाम तो बता दीजिए। सर मेरा नाम मनोज अरोड़ा है, मैं मनोज हूँ और मैं गोविंदपुरी में रहता हूँ, मेरे को परमात्मा का दिया हुआ आप लोगों का आशीर्वाद से सब कुछ है, मैं टेक्निकल आदमी भी हूँ, लेकिन ये काम मेरा खानदानी था, ये मुझे करना पड़ा। अब सर मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको ज्ञान की, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और कई बार बोल भी चुका हूँ, आज मन को भी अच्छा लगा सर मेरे को लेके आए भैया। और दूसरी बात, एक किसान देखा आपने, किसान
एक किसान वो है जो खेती बो रहा है और मुट्ठी में बीज भर के फेंक रहा है ऐसे, और एक लाइन से डाल रहा है, तो कौन सा अच्छा है? लाइन वाला ही ना, तो लाइन वाले को ही आप बोलेंगे। तो ये ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसे बिखेर दो या रास्ते पे ले आओ, या आप घर वालों का कहना मानो या मत मानो, पढ़ो ना पढ़ो, नफ़ा करोगे अपने, अच्छा करोगे तो अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे तो अपने लिए करेंगे। ये सीधा सीधा गोरा गोरा मत देखिए, आदमी को काला काला भी देखना। मेरी माँ एक बात बोलती थी, बेटा तू काम कर रहा है, कामयाब भी है, काम भी चल रहा है, आदमी की कमाई का कभी भरोसा नहीं होता, कभी 2 रुपये कमाता है, कभी नहीं कमाता है, और कभी 1,00,000 रुपये भी कमाता है, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं तो आदमी को बिगाड़ के छोड़ देता हूँ। आपका हंसता हुआ चेहरा ना बहुत टाइम के बाद। सर आपकी वजह से आया है, वरना तो मैं तो बस कोई आके रुलाता है तो कोई आके बीती बातें पूछता है, कोई मेरे फादर की बातें पूछता है, तो क्या बोलूं सर, नहीं पूछो। सर जी वो भी फंडा फाड़ दिया ना, देखिए वो उसने मेरे साथ में झूठ बोला, लेकिन उसको पता चल जाएगा। अभी तो 2-4 यूट्यूबरों की फोटो छुपानी है अखबार में। सर जी वो गलत है, इसी चीज़ें से सीखने को मिलता है। सर अभी वो SP साहब का फोन आया था, वो बोले हमने भी ऐसा आपके तरीके प्लान किया हुआ, पता नहीं शायद आप बता के तो नहीं आए थे उन्हें। चंबल के SP हैं, वो कह रहे मेरे बॉस मिलने के लिए आ रहे हैं मंडे को। मैंने कहा सर 2-1 दिन दे दीजिए, मैंने सब असूल तो असूल है ना जी। सर अगर आपका इंटरव्यू हो गया हो तो कुछ खा लें। बताइए। सर क्या बताऊँ, आप मेरी बात पे हंसोगे, इच्छा ही नहीं है कुछ। अब तो बस आप लोगों ने जो प्यार दिया हुआ है और आप यूट्यूबर ने जो मेरे को इस लाइक बनाया, आपने इतनी अच्छी जगह लेके आए, तो कुछ इच्छा ही नहीं है। लखपति करोड़पति नहीं बनना है, पति बनना था सो मैं बन गया, इच्छा ही नहीं है सर कुछ। आप लीजिए सर। ले रहा हूँ। तो मनोज जी पनीर टिक्का कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया जी। ये आ गई आपकी दाल मखनी, साइड में निकाल दूं? हाँ सर थोड़े सर दे। और आपने जो ऑर्डर किया था वो पता है क्या किया था, याद है आपको रोटी कौन सी आपने ऑर्डर की थी? ओ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा था ये आपका? लच्छा पराठा है ओ, 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 ओ। ये मनोज जी का लच्छा पराठा है। मेरी मनोज जी आप क्या ट्राई कर रहे हैं? सर दाल मखनी के साथ लच्छा पराठा ट्राई कर रहे हैं। और पनीर टिक्का कैसा था? वो बहुत बढ़िया था। और लच्छा पराठा जो है गेहूं के आटे का है, मैदा वाला नहीं है, अच्छा है इनका रेस्टोरेंट में। जैसा आपने इनको कहा पवन जी को, उन्होंने उस रास्ते पे बहुत अच्छी तरीके। बहुत बढ़िया है सर, क्या बोलूँ उनके लिए। हाँ जी सर कढ़ाई अच्छा लगा दिया, बटर इन्होंने कोई गुंजाइश कमी नहीं छोड़ी है, लालच नहीं किया। जिंदगी पलीत होगी साहब। अरे क्या बात है, खुश नहीं हुआ? खुश तो बहुत बढ़िया। डाला हुआ है उसका है, ठंडा भी कर रखा है, पुदीना डाला हुआ है, नींबू भी डाला हुआ है, अच्छा है सर, हाजमे के लिए अच्छा है। सभी बढ़िया था, सबसे बढ़िया तो आप लगे। जो आप अच्छी जगह लेके आए, आपने भावनाओं को समझा कि कुछ हटके भी होता है। सर खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर उसमें अच्छा कहें
तो पनीर टिक्का अच्छा लगा सर। खाना तो बहुत बढ़िया था, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। जूबीज किचन जो है अच्छा लगा आज यहाँ पे आके, तो आप ये यहाँ ज़रूर आइए एक बार। आज भैया मेरे को अच्छी जगह लेके आए, सेकंड टाइम इनसे मुलाकात हुई, पहली बार नेहरू प्लेस में हुई थी, और अब या इन्होंने कुछ हटके पढ़े लिखे की यही पहचान होती है कि इन्होंने आदमी को समझा कि यार नहीं अगला डिप्रेशन में था और आज ये अच्छी जगह लेके आए हैं। ये तो कभी नहीं भूल रहा होगा, ये गिफ्ट ही मिला मेरे को भैया की तरफ से, ये कभी भूलना नहीं होगा। एक मान सम्मान, आदमी खाने पीने का कोई भी भूखा नहीं होता है, लेकिन एक मान सम्मान का भूखा होता है जो भैया ने दिया, और टेंशन से भी बाहर निकाला, डिप्रेशन से भी निकाला। एम जे गुल हैं जो, ये भैया अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मेरे को समझा और ऐसी जगह पर लेके आए हैं। इनके चैनल को जो मुझे पसंद कर रहे हैं सर, इनके चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये भैया अच्छे आदमी हैं, एम जे गुल के नाम से इनका चैनल है।